Canto 9, Chapter 6, Text 8. Shesham nivedayamasa pitretena chatat guru chodita prokshanaya dushtametada karmakam vikokshi. Offered the remnant of the flesh to King Ikshvaku, who gave it to Vashishta for purification. But Vashishta could immediately understand that part of the flesh had already been taken by Vikukshi, and therefore he said that it was unfit to be used in Shraddha ceremony. So here is the instance that Vashishta refuses to do. Vashishta Muni Nivedi karne se mana kar dete hain, because jo bhog hai, woh already koi aadmi kha chuka hai. So that as a principle, जो डीटी रूम डीटी किचन में सामान जाता है वो किसी को छूना नहीं चाहिए. दैट ऑलरेडी मेंट फॉर द लॉर्ड. उसमें से कुछ निकालना खाना चखना उधर नज़र भी नहीं जाना चाहिए. Therefore we don't allow public to enter there. Otherwise they will start because भोगी आँखें हैं. Even when the food भोग is under preparation. Uske baad, there also we don't allow people public to enter. And when offering is going to the worship of the deity, we see it is covered by the cloth. There are two instances. One is Bhaksanta Prabhupada, jab bahut chote bachche the. To unke pitaji, Bhakti Vrinda Thakur, unko ek bari daanta, kyunki unhone bhog lagane ke liye mandir mein kuch aam rakhe the. वो तो छोटे बच्चे थे, 5 साल भी नहीं शायद, और उन्होंने एक आम खा लिया.
तो उनके पिताजी ने बोला, ये क्या कर दिया तुमने, ये तो नैवेद्य के लिए रखा था। अब अक्षंदर प्रभुपाद ने उसके बाद पूरी जिंदगी आम नहीं खाया, जो बड़े आचार्य बन गए थे, उम्र भी बहुत हो चुकी थी, तो कभी कोई मैंगो गड्डिश आते थे, आई कैन नॉट ईट, वाई, आई एम एन ऑफेंडर। हाउ सीरियसली भगवान का सेवा को आचार्य लोग लेते हैं। सिमिलरली देर इज अनदर इंसिडेंट ऑफ माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी आपके रमुना में पहुंचे थे और वहाँ पे गोपीनाथ का डीटी था, तो पुजारी से बात कर रहे थे, भाई मेरे पास ही गोपाल डीटी है गोवर्धन में, क्या चीज़ ऐसा तुम अच्छा बजा बनाते हो इधर जो बहुत स्पेशल है भगवान की सेवा। जब भगवान की सेवा में इधर स्पेशल है स्वीट राइस, अभी भी कोई वहाँ जाता है पहले स्वीट राइस खाता है, बहुत स्पेशल है वो, तो नेक्टर है सरोवर। तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं, अगर मैं एक बारी चख लूँ उसको तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं भी वैसे ही बनाएगा, जो कुकिंग करता है वो टेस्ट करके पता कर सकता है क्या 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 काम है इसमें, ठीक है। तो अपनी भगवान की सेवा के लिए ही वो सोच रहे थे, ऐसा कुछ पर्सनल इंद्रिय भोग के लिए नहीं सोच रहे थे। माधवेंद्रपुरी तो महान शुद्ध भक्त हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि निवेदन होने वाला था, तो माधवेंद्रपुरी उधर पहुँच गए, वहाँ पे हॉल में खड़े थे, तो जैसे ही उसने कपड़ा निकाला नैवेद्य करने के पहले, तो स्वीट राइस के जो 12 डब्बे थे, 12 पॉट थे, दिख गए। और माधवेंद्रपुरी ने सोचा मैं एक बार चख लूँ इसको, और फिर उनको इमिडिएटली लगा तो अपराध हो गया, बिकॉज अभी तो नैवेद्य नहीं हुआ और मैंने चखने का सोचा है। इसलिए कभी किचन में जाते हैं, अगर मुँह में सलाइवा आ रहा है तो बाहर निकल आओ, आप अभी खाना बनाने के या पुजारी होने के लायक नहीं है। इमिडिएटली मन में भोग की इच्छा आ जाती है, इंद्रिय भोग की वस्तु देखी और इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, तभी आप सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जनरली सत्वगुण में भगवान की सेवा होती है। रजोगुण का आदमी कितना भी कर लो, जैसे ही कोई पकवान देखेगा इमिडिएटली उसके मन में श्री राधा गोविंद की, नेचुरल है। छोटे बच्चों को कोई खाने की चीज़ दिखाओ, उनके मुंह से तो गिर जाता है सीधा, तो आपके मुंह से गिरेगा नहीं लेकिन अंदर आपका सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा देख के, तो आप लायक नहीं है, अपराध कर रहे हो। सो दैट इज द प्रिंसिपल। तो डीटी वर्शिप एक मजाक नहीं है एक्चुअली, उसमें 64 प्रिंसिपल है अपराध के। सो आई थॉट वी कैन टेक अप टुडे एंड सी वी नॉट डूइंग। नंबर वन, भगवान के मंदिर में कार में या पैलेंकुन में या जूते पहन के नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत मंदिरों में ये भी सिस्टम है कि लोग मतलब जैसे कभी पहाड़ी में लोग जाते हैं पैलेंकुन में चले जाते हैं तो उनसे नहीं होता, लेकिन मंदिर में पैलेंकुन में नहीं आना चाहिए, मंदिर के अंदर चल के आना चाहिए। ये नहीं कि राजा की तरह बैठ के आए पैलेंकुन में, भगवान के सामने रख लिया, दर्शन कर लो, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, डन। और जूते पहन के, इसलिए ये भी बड़ा तपस होता है जब बाहर फंक्शन करते हैं हम लोग, जूते अलाउ नहीं करते हॉल में, कुछ लोग को समझ नहीं आता, बट दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट। साउथ इंडिया में इतना मुश्किल नहीं है, गिवन बहुत सारे कॉलेजेस में भी सिस्टम है जूते चप्पल बाहर रखने का, स्कूल में भी, कुछ स्कूल में भी बना रखा है सिस्टम। बहुत प्रिंसिपल लोग, बहुत पब्लिक भी ऐसा रहता है, उनका रूम में कोई जूता पहन के नहीं आता, तो एनीवे इसको समझते हैं इधर लोग। One should not fail to observe varieties of festival for pleasure of Supreme Personality Godhead, Janmashtami, Rath Yatra, etc. Janmashtami to kar rahe hum log, Rath Yatra shuru karna hai. These are all festival for the deities. Lekin Rath Yatra ke liye Jagannath deity hoti hai. Theek hai. 2, 3. One should not avoid bowing down before the deity. Aisa nahi hai. Jitna namaskar kar lo, utna hi fayda hai. Aisa nahi. Chalo, namaskar karne ki zarurat nahi. Aparad ho jata hai.
ठीक है चार ठीक है सब कुछ चीज़ को सब लोग ध्यान से सुनो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ये सब अपराध है। चार, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल टू वर्शिप द लॉर्ड विदाउट हैविंग वॉश हिज हैंड्स एंड फिट आफ्टर ईटिंग, ठीक है, आपने खाना ना खाया, हाथ पैर गंदे हैं। ये प्रभुपाद जी को तो ये बहुत मुश्किल हुआ था उधर। इधर क्या है, जो भारत में आदमी हुआ है एटलीस्ट घर में ये संस्कार सीख लेता है, वहाँ बिना हाथ धोए लोग घूमते रहते हैं। मतलब ये हम लोगों को तो अजीब लगता है, कोई खाना खा के हाथ नहीं धोए, क्योंकि उधर टिश्यू का सिस्टम है, टिश्यू पेपर से क्लियर है, हाथ धो, ये टिश्यू नहीं चलेगा, हाथ धो के आओ। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन अ कंटामिनेटेड स्टेट, अपवित्र स्थिति में नहीं आना चाहिए। दिस इज ठीक है, कभी कभी फैमिली में भी डेथ होती है तो थोड़ा टाइम के लिए इन इस्कॉन इम्प्लीमेंटेशन इज के डीटी को छूना नहीं चाहिए, बट ओवरऑल प्रिंसिपल इज उस समय आदमी कंटामिनेटेड क्यों, बिकॉज दुखी है। अलग अलग लोगों के लिए देखो अलग अलग है, इसका प्रिंसिपल समझ सकते हो। ब्राह्मणों के लिए 12 दिन, क्षत्रियों के लिए 15 दिन, शूद्र के लिए 30 दिन, क्यों? बिकॉज शूद्र मतलब उसका काम ही रोना है, शूद्र का मतलब ही रोना, और छोटी छोटी चीज़ में टै 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 दुखी रहता है। ब्राह्मण मतलब हमेशा खुश रहता है, भगवान की सेवा से खुश रहता है, और शूद्र मतलब टै 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 टैटन से कोई भी आदमी दूर रहना चाहता है, किसी को खुशी नहीं होती टैटन से, ठीक है। सो शूद्र है तो अब जब कोई डेथ हो गया फैमिली में वो तो रोता है, रोएगा 30 दिन क्या 6 महीने के लिए रोएगा। प्रिंसिपल ये है कि आदमी दुखी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत दुखी है, बिकॉज जितना आदमी बॉडीली प्लेटफॉर्म में होगा डेफिनेटली दुखी होगा, उसका अटैचमेंट होते हैं और रोएगा। तो भगवान ने कुछ गलत तो किया नहीं है, भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं और आप सामने पहुँच गए, अरे भी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं तो ठीक ही किया उसका, लेकिन आप भगवान को दोषी समझ रहे हैं, दुखी हैं मतलब भगवान को दोषी समझ रहे हैं, आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये समझने में टाइम लगता है लोगों को, बिकॉज बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए अलग अलग ड्यूरेशन दिया हुआ है। सिक्स, वन शुड नॉट बो डाउन विद वन हैंड, एक हाथ से नमस्कार नहीं करने का, दोनों हाथ लगाइए। सेवन, वन शुड नॉट सर्कल इन फ्रंट ऑफ श्री कृष्णा, ये तो यहाँ बहुत मंदिरों में लोगों का फैशन है, वहीं खड़े खड़े घूमते हैं आँख बंद करके, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में परिक्रम के लिए भी जगह नहीं है, जनरली परिक्रम का जगह होता है, बिगिन सर्कमलेटिंग द डीटी राइट हैंड साइड ऑफ द टेम्पल एंड कम अराउंड राइट हैंड साइड से। सर्कमलेशन पर्सन आउटसाइड द टेम्पल स्ट्रक्चर एटलीस्ट 3 टाइम्स डेली, जो गर्भगुड़ी है उसके चारों तरफ। कभी कभी मंदिरों में 2-3 परिक्रम के मार्ग होते हैं, एक गर्भगुड़ी की चारों तरफ, एक मंदिर के चारों तरफ, वृंदावन में ऐसा बना हुआ है डिजाइन। वन शुड नॉट स्प्रेड हिज लेग्स बिफोर द डीटी, ये भी भगवान का अपमान। बेसिकली आप ये सोच लीजिए विग्रह भगवान है तो ये सब अपराध नहीं होंगे, जब आप ये स्वीकार नहीं करते कि विग्रह भगवान का ही अवतार है, अवच अवतार, तो सारे अपराध होंगे। इवन नाम के भी अपराध ऐसे ही हैं, अगर आप ये स्वीकार कर लीजिए कि नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, 10 के 10 अपराध आप कभी नहीं करोगे। सिमिलरली जब आप ये स्वीकार कर लेते हो विग्रह तो भगवान खुद हैं, ये अपराध ऑटोमेटिकली नहीं होते, तो पैर कौन खोलता है किसी के सामने। वन शुड नॉट सिट बिफोर द डीटी होल्डिंग एंकल्स एल्बोस ऐसे करके, वो भी अपराध है। वन शुड नॉट लाई डाउन, नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम बिफोर द डीटी, इसलिए कभी कभी उत्सव में अगर हॉल में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कर्टेन बंद कर देते हैं लोग। वन शुड नॉट स्पीक लाई बिफोर द डीटी, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलने का, कभी भी भगवान सुन रहे हैं कभी नहीं बोलने का। वन शुड नॉट टॉक लाउडली, ऐसा नहीं करना चाहिए, जोर के भगवान के सामने नहीं बोल। वन शुड नॉट टॉक विद अदर्स, इसलिए भगवान की जो सेवा कर रहे हैं चुप रहना चाहिए, भगवान सुन रहे हैं भाई, गपशप कभी कभी गप 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 क्या गप गप चल रहा है, भगवान का सेवा हो रहा है, भगवान के सामने चुप रहो। वन शुड नॉट क्राई एयर हॉल बिफोर द डीटी, भगवान के सामने ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहे, खुश रहना चाहिए। वन शुड नॉट क्वारल और फाइट बिफोर द डीटी, भगवान के सामने लड़ना नहीं चाहिए। वन शुड नॉट चेस्टाइज एनीवन बिफोर द डीटी। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डीटी, अब भगवान के सामने दिखा रहे हो अरे बड़ा दानी हूँ मैं। वन शुड नॉट स्पीक वेरी हार्शली टू अदर्स बिफोर द डीटी,
It's also common sense. One should not wear a fur blanket before the deity. Basic principle hai iska, fur blanket ye sab. We should not try to kisi ka distract uska jo bhagwan ne mandir aata hai to bhagwan ki taraf uska dhyan hona chahiye. Isle aisa cheez jisse uska distraction ho nahi karne ka. One should not eulogize or praise anyone before the deity. ठीक है भगवान के सामने खाली भगवान के बारे में बोलने का आचार्य के बारे में भी बोल सकते हैं लेकिन नॉर्मल पब्लिक के बारे में नहीं बोलना चाहिए वन शुड नॉट स्पीक इल नेम्स बिफोर द डीटी आप शब्द यूज नहीं करना चाहिए वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी कॉमन सेंस है वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स तो इसमें प्रभुपाद जी ने समझाया है जैसे भगवद गीता में कृष्ण लेके आए पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो चलो भाई ऐसे सेवा करने का नहीं अगर आपका मीन्स है तो अच्छे से सेवा करो जस्ट लाइक प्रभुपाद जी बोलते थे अमेरिका में आप छप्पन भोग लगाओ तीनों बारी छप्पन भोग लगाओ आप लोग के मीन्स हैं यू हैव कैपेसिटी रिच कंट्री है वन शुड नॉट स्पीक ईट एनीथिंग विच इज नॉट फर्स्ट ऑफर टू कृष्णा ये नियम जनरली भक्त फॉलो करता है कोई चीज ऐसा नहीं खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट और ग्रेन्स टू कृष्णा अकॉर्डिंग टू द सीजन के अनुसार जो फल आते हैं जैसे भगवान को ऑफर होना चाहिए ठीक है सीजन में जो भी स्पेशल फ्रूट्स आए आफ्टर कुकिंग नो वन शुड यू ऑफर फ्रूट्स अलर्ट इज ऑफर टू द डीटी ठीक है कोई भी चीज बना के भगवान को नैवेद्य किए बिना किसी को नहीं देने का One should not sit his back towards the deity. ठीक है अपना पीठ नहीं लगाने का One should not offer obeisances silently to the spiritual master. हाँ ये बहुत लोग follow नहीं करते हैं जब आप नमस्कार करते हैं deity को या प्रभुपाद को तो जो मंत्र जो बोलते हैं ना वो silently नहीं होना चाहिए उच्च और सुनाई देना चिल्लाना क्या भी नहीं लेकिन सुनाई देना चाहिए नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय भूतले पूरा सुनाना चाहिए One should not fail to offer some praise in presence of spiritual master. कभी गुरु को मिलते हैं तो हमेशा पहले ये तो नॉर्मल एटिकेट भी है किसी को भी एल्डर को पहले मिलते हैं फर्स्ट वी से समथिंग प्लीजिंग आपको बहुत अच्छा मिलके हुआ दैट इज़ वेरी नाइस One should not praise himself before the spiritual master. अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए One should not deride the demigod before the deity. देवता लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए वो भी भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा में लगे तो ये तो 32 हो गए अब 32 और हैं महाराज पुराण से कुछ सिमिलर है वन शुड नॉट टच द डीटी इन द डार्क रूम अंधेरे में भगवान को कभी नहीं छूना चाहिए वन शुड नॉट फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन वर्शिपिंग द डीटी सारे नियम को ध्यान से फॉलो करने का वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल ऑफ द डीटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड ठीक है पहले हमेशा एटलीस्ट निवेद्य में भी क्लैप करके जाते दैट्स ऑल्सो एन एटिकेट किसी रेस्पेक्टेबल आदमी के आप रूम में घुस रहे हैं पहले नॉक करते हो That's an etiquette. One should not offer any food to deity which has been seen by dogs or any other lower animals. इसलिए बिल्ली कुत्ते ये सब मंदिर से दूर रखते हैं हम लोग क्योंकि ये लोग अरे मनुष्य ही खाना देख के उसके मुंह में झाग आ जाता है जानवर तो डेफिनेटली तो पर्टिकुलरली ये जानवर से दूर रखते हैं One should not break the silence without worshipping. जब भगवान की पूजा हो रही होती है शांत रहना चाहिए भगवान का सेवा कोई भी सेवा चुप रहना चाहिए भगवान के सामने गपशप करना बहुत बड़ा अपराध है दुनिया का गपशप चल रहा है उधर ये है मेरा वो है क्या कर रहे हो भाई भगवान के सेवा जो होती है उसमें चुप रहना चाहिए बहुत बड़ा तपस्या है एक्चुअली इसलिए जनरली भगवान के सेवा करके बड़ी थकान लगती है बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल इट्स थोड़ा माइंड में थोड़ा प्रेशर रहता है चुप रहने का शांति से सेवा करने का वाई वन शुड नॉट पास यूरिन और इवैक्यूएट बाय द एंगेज इन वर्शिपिंग हाँ भगवान की सेवा करते समय उससे पहले चले जाओ ऐसा नहीं हो कि प्रेशर है और कर रहे हैं वन शुड नॉट ऑफर इंसेंस विदाउट ऑफरिंग सम फ्लावर्स करें ये तो ठीक है थोड़ा फ्लावर्स इसलिए पुष्प आरती में पुष्प में धूप और पुष्प दोनों रहता है यूजलेस फ्लावर विदाउट ए फ्रेग्रेंस कुछ जिसका फ्लावर में स्मेल नहीं हो वो नहीं ऑफर करना चाहिए यहाँ तो अच्छे फूल मिलते ही नहीं है तब भी ध्यान रखने का One should not fail to wash his teeth very carefully every day. ध्यान से ब्रश करके आने का बदबू नहीं आना चाहिए One should not enter the temple directly after sexual intercourse. ठीक है One should not touch a woman during a menstrual period. नहीं करने का One should not enter the temple after touching a dead body. मृत शरीर को छू के मंदिर में नहीं नहा धो के और कपड़े बदलो
One should not enter the temple wearing a garment of red or blue color which has been unwashed. Bina dhule, to muchi avastha mein, aur ye red or blue, to mere ye samajh aaya, basically logon ka attention vigra se nahi lana chahiye. Logon ka attention, Bhagwan ne dress diya hai, Prabhupada ji ne dress diya hai, wo color pehno. One should not enter the temple after seeing a dead body. Agar dead body ke kabhi kahin gaye hain, nah dho ke kapde badal ke aao. One should not pass air. Bhai, hawa nahi nikalne ka. One should not be angry within the temple. Bhai, Bhagwan ke samne gussa nahi dikhane ka. One should not enter the temple after visiting a crematorium. Theek hai. One should not belch before the deity. Isliye thoda immediately kha ke nahi aana chahiye Bhagwan ke. Aisa aawaz aata hai. So, thoda time ke baad. Thoda khana digest ho jaye, tab aana chahiye. Immediate khana kha ke aayenge to kuch aawaz aate rahenge. One should not smoke ganja, marijuana, ye sab chhune ka nahi hai. One should not take opium. Kyunki kuch aisa hai, kyon bola gaya, sadhu karte hain. Ganja, afim to bahut common hai. North India mein to kareeb-kareeb Kumbh Mela mein jao, bahut dikhte hain. One should not enter the deity room or touch the body of the deity after smearing oil over the body. Nahi, naha dho ke avastha mein aana chahiye, tele laga ke nahi. One should not show disrespect to scripture teaching about supremacy of the Lord. शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए और नहीं शास्त्र को अपराध करना चाहिए ठीक है वेरी नाइस वन शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी अपोजिंग स्क्रिप्चर ये अपसिद्धांत जैसे लोग कभी लोगों को मिलने जाते हैं क्या क्या गुरु क्या क्या शास्त्र लोग उठा के लाते हैं ठीक है ये सब असत शास्त्र को नहीं लाना चाहिए One should not chew betel before the Bhagwan ke samne betel nahi karna. One should not offer a flower which was kept in an unclean pot. Koi ganda jagah mein rakha hua phool usko nahi dekhna chahiye. Jisne phool rakha hai wo dho dha ke sukha ke acha rehna chahiye. This we can improve. One should not worship the Lord while sitting on the bare floor. Nahi, jameen mein baith ke nahi Bhagwan ki puja isliye hamesha mat rehta hai. Sitting place or carpet. One should not touch the deity before he has completed taking bath. Nahi, haan, pavitri sthiti mein aao. Ye varapuna. One should not decorate his for three line tilak. Ye bhi aparad mana jata hai. Generally, kuch log hain, apne ko shaiv bolte hain, ya aise tilak lagate hain. Ye Vaishnav log ke liye aparad hota hai. Wo mandir ko todne ke barabar lete hain usko. One should not enter the temple without washing his hands and feet. To apne haath pair dhoye bina, मंदिर नहीं जाना चाहिए तो ऐसे करके इसमें डीटी वर्षिप के अपराध है इसको ध्यान रखने का बिकॉज बिना अपराध के सेवा करेंगे तो भगवान को प्रिय है और अपराध हो रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो फिर भगवान को प्रिय नहीं है मूल लक्ष्य भगवान का सेवा क्या है हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता जब भगवान खुश होते हैं अब भगवान खुश कब होते हैं जब नियम का पालन करेंगे I'm not a man.